हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 35 बाई 65। 35 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 65 फीट प्लॉट की लंबाई है। साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख है और कॉर्नर प्लॉट है। ईस्ट और साउथ दो साइड रोड है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो हमारे पास है 35 फीट। 35 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारे प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 65 फीट। 65 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 35 इंटू 65 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हुआ है। और साउथ के अंदर भी रोड है और ईस्ट के अंदर भी रोड है, लेकिन जो साउथ वाली रोड है तो वो मेन रोड है और जो हमारी ईस्ट वाली रोड है वो कॉलोनी वाली रोड है, छोटी रोड है, ठीक है। तो हमारा जो घर का हमने मेन मुख रखा वो साउथ के अंदर रखा, दक्षिण दिशा के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इसकी दक्षिण दिशा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आ रहा पार्किंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट इंटू 15 फीट 9 इंच है। 13 बाई इंटू 15 फीट 9 इंच का हमारे पास पार्किंग है, यहाँ पर आपकी कार पार्क हो जाएगी। लेकिन जो हमारा घर का मेन डोर है वो हमने वेस्ट फेस रखा है, साउथ फेस नहीं रखा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने मेन डोर दे रखा है साउथ दिशा के अंदर। तो यहाँ पर हम जैसे 2-3 स्टेप अप करते हैं तो हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है। इससे पहले यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए, हम जैसे 2-3 स्टेप अप करते हैं तो यहाँ पर छोटा सा लैंडिंग बना हुआ है और फिर यहाँ पर हमारा 3 फीट का दरवाज़ा और इसके जस्ट पास में हमारे पास 3.25 फीट की विंडो भी निकल रही है। इस 3 फीट को दरवाजे को हम खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट इंटू 13 फीट है। 13 बाई 13 का हमारे पास ड्राइंग रूम है, जिसके अंदर आप यहाँ से लेके यहाँ पर आपके सोफे लग जाएंगे और यहाँ पर बीच के अंदर आपकी टी टेबल लग जाएगी। और इसी ड्राइंग रूम का 1.5 फीट का दरवाजा घर के हमारे डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर खुल रहा है। अब वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मेन डोर हो गया 4 फीट का। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ये डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 15 फीट 6 इंच इंटू 19 फीट 9 इंच है। 15.5 फीट इंटू 19 फीट 9 इंच का हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया है। ये हमारा देख लीजिए पूरा, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ, जिसकी 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। और यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी और इस दीवार पर टीवी लग जाएगी और यहाँ पर आपके और सोफे लग जाएंगे, जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ सकते हो और यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। अब इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट इंटू 13 फीट। 11 बाई 13 का ये हमारा किचन हो गया। यहाँ पर आपका मार्बल या ग्रेनाइट का पत्थर लग जाएगा, जो भी स्लेट होता है वो वर्किंग के लिए। और किचन की 1 4 फीट की विंडो सामने दक्षिण दिशा के अंदर और 1 3 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। और इसी किचन का अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और स्टोर रूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट इंटू 11 फीट। 6 बाई 11 का स्टोर रूम है, जिसकी 3 फीट की विंडो सामने दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। अब स्टोर रूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पर किचन हो गया और किचन से वापस बाहर आते तो ये हमारा आ रहा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 6। 5 फीट इंटू 6 फीट का हमारे पास कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रहा है। अब कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर आप जहाँ पर सोफे वगैरह लग रहे हैं उसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 बाई 14। 13 फीट इंटू 14 फीट का ये हमारा बेडरूम है, जहाँ पर यहाँ पर आपका बेड लग जाएगा, यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगी और बेड के सामने टीवी लग जाएगी और इसकी 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। तो इस बेडरूम से जैसे ही वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों दीवारों के बीच में जो कॉरिडोर है वो टोटल 6 फीट चौड़े के अंदर है। यहाँ से हम जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टेयर केस दे रखा है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 बाई 14। 13 फीट इंटू 14 फीट का ये हमारा बेडरूम हो गया, यहाँ पर आपका बेड लग जाएगा, इसके सामने टीवी, यहाँ पर वार्डरोब। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट इंटू 7 फीट। 5 बाई 7 का अटैच टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन या पीछे हमने उत्तर दिशा के अंदर ओटीएस छोटर का, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट इंटू 12 फीट है। 5 बाई 12 का ओटीएस है, जिसके अंदर इस अटैच टॉयलेट का वेंटिलेशन निकल रहा है और इस बेडरूम की विंडो भी 4 फीट की इसके अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 फीट का दरवाजा और ये हमारा पूजा रूम बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 बाई 7। 6 फीट इंटू 7 फीट का हमारे पास पूजा रूम है, जिसकी 3 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक और बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 बाई 14। 13 फीट इंटू 14 फीट का ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पर आपका बेड लग जाएगा और इसके पास में इसके पीछे यहाँ पर देखिए 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है, यहाँ पर वार्डरोब। लेकिन इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा है और अटैच टॉयलेट आ रहा है 6 फीट इंटू 8 फीट 3 इंच का और इसका वेंटिलेशन भी ओटीएस के अंदर निकल रहा है। तो यहाँ पर अटैच टॉयलेट का दरवाजा वगैरह निकल रहा है तो इसकी बेड के सामने टीवी न लगा के हमने इस दीवार पर टीवी यूनिट लगाई है, ताकि आप यहाँ पर टेबल कुर्सी वगैरह लगा के टीवी देख सकते हो, ठीक है। और इस जो हमने ओटीएस छोटर का पीछे इसके अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये दक्षिण दिशा वाली रोड हो गई और ये पूर्व दिशा वाली रोड हो गई।
यहाँ पर पार्किंग हुआ, और ये घर का मेन डोर, यहाँ पर किचन स्टोर रूम, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम हो गया, यहाँ पर स्टेयरकेस, ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, यहाँ पर ओटीएस, और ये बेडरूम, इस बेडरूम का ही अटैच टॉयलेट, और यहाँ पर हो गया पूजा रूम। और चलिए मैं आप इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो 35x65 प्लॉट के अंदर ये हमने इस प्रकार से प्लानिंग की है। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।